सो गाइस फाइनली अपने गेम में बहुत सारे इवेंट्स आ चुके हैं अपने पैच अपडेट के एंड भाई लोग अपने पैच अपडेट वाले दिन आप सभी को इतने सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं ना भाई लोग, क्या ही कहूँ, बहुत सारे आप सभी को फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे। लाइक आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में कैंटा करेक्टर मिलेगा, फ्री में स्काइलर करेक्टर मिलने वाला है एंड आप सभी को गोल्ड रॉयल भी देखने को मिलेगा, FF टोकन का न्यू बंडल भी आने वाला है। और भाई लोग आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आकाश भाई हमें ये बताओ कि जो अपना पिंक डायमंड स्टोर है वो हमें कब देखने को मिलेगा, तो भाई लोग फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि आप सभी को अपने OB38 के अपडेट के बाद आप सभी को अपना पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिलने वाला है। तो अपना पिंक डायमंड स्टोर कैसा होगा वो भी दिखाने वाला हूँ एंड साथ ही साथ भाई लोग अपना न्यू रैंक टोकन का जो रिवॉर्ड्स होने वाला है वो भी आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ अपने OB के अपडेट्स के अंदर आप सभी को बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे अपडेट्स आप सभी को बताने वाला हूँ। तो गाइस यार वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। चलो भाई लोग यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, अभी मजा आएगा ना वीडियो। ओके तो देखो भाई लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि जो अपना पैच अपडेट है वो आप सभी को 11 जनवरी को देखने को मिलेगा एंड 11 जनवरी वाले दिन आप सभी को बहुत सारे भर भर के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं एंड साथ ही साथ 12 जनवरी को भी आप सभी को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे। तो क्या क्या मिलने वाला है एक एक करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई लोग जैसे कि आप सभी को पता है जिस दिन अपना पैच अपडेट आता है तो उस दिन अपना गेम सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक अपना मेंटेनेंस पे रहता है एंड इस बीच आप सभी गेम नहीं खेल पाते हो, लेकिन जैसे भाई लोग अपना रात को मतलब शाम को 5:30 बजे गेम ओपन होता है तो भाई लोग आप सभी को मिलता है पैच के अपडेट्स के लॉगिन रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप सभी को 2 वेपन रॉयल के वाउचर मिल जाएंगे एंड आप सभी को 2 डायमंड रॉयल के वाउचर मिल जाएंगे एंड इनको क्लेम करने के बाद भाई लोग आप सभी कहोगे कि काश भाई इतने 2-2 वाउचर से अपना होगा क्या, समझ रहे हो। टेंशन नोट, आप सभी को ना 5-5 वाउचर और मिल जाएंगे, आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। जैसे ही अपना अपडेट आ जाएगा आप लोग लॉगिन वगैरह कर लोगे तो आप सभी को ना स्टोर वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। स्टोर वाले सेक्शन के अंदर आप सभी को रिडीम वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर आप सभी को गिल्ड टोकन से आप सभी को यहाँ पे 5-5 वाउचर मिल जाएंगे, आप सभी को अपने वेपन रॉयल का वाउचर मिल जाएगा 5 एंड आप सभी को 5 डायमंड रॉयल के वाउचर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लेम कर लेना तो आप सभी को यहां से भी वाउचर मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी नेम चेंज कार्ड वगैरह भी चाहिए तो आप यहां पे डायमंड देके ले सकते हो, ये अपना मतलब दोबारा से आप सभी को परचेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एंड अभी ना भाई लोग आप सभी को अपने गेम में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी देखने को मिल चुके हैं अपने पैच अपडेट के। सबसे पहले तो आप सभी को यहां पे अपना पैच नोट्स देखने को मिल रहा है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को सारे अपडेट्स बता देता हूं। यहां पे देखो सबसे पहला अपडेट यहां पे है कि न्यू वेपन लीडर बोर्ड, ठीक है। अगर आप किसी भी वेपन में अच्छे हो, आप कोई भी वेपन को अच्छा चलाते हो या ज्यादा यूज करते हो तो उसका यहाँ पे वेपन का लीडर बोर्ड एक आने वाला है। लाइक अपना ग्लोबल होता है ना जिसमें आपकी रैंक वगैरह होती है, सेम वैसे ही आने वाला है एंड यहाँ पर आप सभी को न्यू कैरेक्टर सेंटिलो देखने को मिलेगा जो रिपोर्ट हो जाएगा। फिर आप सभी को अपना कैक्टस वाला पैट देखने को मिलेगा, तो ये कैक्टस वाला पैट आप सभी को मतलब EP वगैरह देगा, 10-20 EP आप सभी को दे देगा, ठीक है। बाकी भाई लोग यहाँ पे देखो आप सभी को ना यहाँ पर क्या होगा कि देखो अगर आप सोलो मैच खेलते हो BR रैंक में, ठीक है, तो आप सभी का क्या होगा सोलो मैच खेलोगे ना तो अगर आप 3 मिनट में जैसे आप उतरोगे प्लेन से और 3 मिनट में मर जाते तो आप दोबारा रिवाइव हो जाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ सोलो के लिए आया है। और बाकी यहाँ पे देखो ये जो अपना वॉकी टॉकी टाइप का आने वाला है ना, 2 डिवाइस आने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप सभी को लूट वगैरह दूर से ही पता चल जाएगा कहाँ पे लूट वगैरह एंड कहाँ पे UAV और ARC वगैरह आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो अपना स्काइलर करेक्टर और कैंटा करेक्टर में चेंजेस करे गए, इनके डैमेज वगैरह इसको कम किया गया है। भाई लोग यहाँ पर देखो अभी हम सभी को कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, 10 तारीख तक आप सभी को ये रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे तो वाउचर वगैरह इसको भी क्लेम कर लेना एंड 11 तारीख को जैसे अपना पैच अपडेट आ जाएगा तो आप सभी को 7 दिन के लिए अपना स्काइलर करेक्टर मिलेगा ट्रायल के लिए एंड अपना कैंटा करेक्टर भी आप सभी को 7 दिन के लिए मिलेगा एंड कुछ गन के क्रेट्स भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो हम सभी के पास तो स्काइलर करेक्टर परमानेंट है जो कि हम सभी को रिडीम कोड से मिल ही गया था, तो कुछ फायदा भी नहीं है, हम ट्रायल बेस पे लेके क्या करेंगे। अगर जिसके पास नहीं है तो वो यूज़ कर लेंगे, उनको पता चलेगा कैसा होता है स्काइलर करेक्टर। वैसे मेरी नज़र में तो भाई बहुत ज़्यादा ही बेस्ट करेक्टर स्काइलर एंड मैं उसको ही यूज़ करता हूँ। आप लोग कौन सा करेक्टर यूज़ करते हो मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। चलो भाई लोग अब हम लोग बात करने वाले कि देखो भाई लोग आप सभी को बहुत दिनों से वेट था कि आकाश भाई हमें ये बताओ कि अपना नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल कौन सा होने वाला है। तो देखो भाई लोग अपना गोल्ड रॉयल का बंडल रिवील हो चुका है, साथ ही साथ अपना FF टोकन का बंडल एंड अपना रैंक टोकन का बंडल भी यहाँ पे रिवील हो चुका है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारे के सारे बंडल्स के बारे में बताता हूं। तो देखो भाई लोग यहाँ पर आप लोग ये वाला जो बंडल देख रहे हो जिसका नाम हेल स्टॉर्म हनी होने वाला है, तो ये वाला बंडल आप सभी को अपना गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये अपना फीमेल का बंडल होने वाला है, तो मेरे को ठीक ठाक सही बंडल लग रहा है। और बाकी क्या ही बोले, मेल का बंडल होता है तो मजा ही आ जाता है। बाकी भाई लोग कोई ना, आप सभी को ये फीमेल का बंडल मिल जाएगा। जो अपना मेल का बंडल है भाई लोग आप सभी को अपने FF टोकन के अंदर देखने को मिलेगा, तो अपने FF टोकन के जो टोकन है ना उसको ना आप बचा के रखना, आप सभी को ये ब्लू वाला बंडल देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ भाई लोग देखो जो अपना रैंक टोकन होता है ना उसके अंदर आप सभी को अब की बार अपना ये वाला फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि हमें तो वो वाला बंडल मिला था पिछली बार, मेल का बंडल मिला था, तो अब की बार ये वाला बंडल आप सभी को देखने को मिल जाएगा और चेंज भी हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आप सभी को बंडल्स वगैरह कैसा लगा
है मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। तो ये सब आप सभी को अपना अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। एंड बंडल की बात हो ही रही है तो भाई लोग यहाँ पे देखो, जो अपना फरवरी मंथ का भुया पास का बंडल होने वाला है वो अपना कुछ इस टाइप से होने वाला है। तो यहाँ पे देखो आप सभी को कुछ इस टाइप से अपना बंडल देखने को मिलेगा फरवरी भुया पास का, ठीक है। तो मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है, आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट में। एंड यहाँ पर देखो ये होने वाला अपना मार्च का भुया पास, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड इसके अंदर ना फिस्ट का स्किन वगैरह भी शायद देखने को हमें मिलेगा, तो देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक है। तो भुया पास तो वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, शायद ही कोई उसको परचेस करेगा। वैसे भाई लोग अपने को क्या, अपने को तो फ्री रिवॉर्ड से मतलब है। एंड 11 तारीख को आप सभी को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया है। एंड देखो भाई लोग अपने गेम में ना जैसे अपडेट्स वगैरह आएंगे तो आप सभी को ना बहुत सारे इमोट्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग इतने सारे इमोट्स अपने आने वाले, तो इनमें से एक या दो इमोट आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। एंड बहुत सारे इवेंट आने वाले, अपने 26 जनवरी का भी इवेंट आने वाला है आप सभी को पता है। एंड अपना जब भी अपडेट आता है तो उसके बाद अपना एक न्यू कोलैबोरेशन भी होता है, ठीक है। तो अब की बार अपना एक न्यू कोलैबोरेशन भी हो जाएगा तो उसके बदले में भी आप सभी को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे। देखो भाई लोग जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था स्टार्टिंग में कि अपने को ना अपना पिंक डायमंड स्टोर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखो अपना विंटर विश करके एक इवेंट आने वाला है जिसके अंदर अपना पिंक डायमंड स्टोर भी आपको देखने को मिलेगा। एंड अपने जितने भी विंटर के अपने रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं और जो डायमंड्स वाले इवेंट में आप सभी को बंडल वगैरह मिलता है वो सब आप सभी को अपने पिंक डायमंड स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अपने डाटा माइनर ने बोलता है, लेट्स सी देखते हैं अपने को पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड साथ ही साथ भाई लोग जो अपना ये फ्लैग वाला इमोट था ना वो भी बोला जा रहा है कि आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो लेट्स सी देखते हैं क्या सीन होता है। एंड मेरे को तो लगता है कि आप सभी को ना बहुत जल्द देखने को मिलेगा अपना फ्लैग वाला। भाई लोग देखो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अपने पैच अपडेट वाले दिन आप सभी को ना अपडेट के अंदर एक और अपडेट देखने को मिलेगा जो कि अपना मल्टी बाइंडिंग का होने वाला है। अगर आपने फेसबुक से अपना फ्री फायर का अकाउंट बना रखा है ना तो भाई लोग आप अपना गूगल अकाउंट से भी उसको बाइंड कर पाओगे, ठीक है। मतलब गूगल से, ट्विटर से, जिससे भी मैंने आप उससे बाइंड कर पाओगे, दो दो अकाउंट से आप लोग उसको बाइंड कर पाओगे जिससे आपका अकाउंट तो सेफ रहेगा। साथ ही साथ भाई लोग आप सभी को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे, लाइक यहाँ पे देखो इमोट फ्री में दिखाया जा रहा है, फ्री में ग्लोवल का स्किन मिल रहा है एंड फ्री में स्कार्फ वगैरह भी हम सभी को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे रिवॉर्ड्स तो आप सभी को नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ही हाईफाई रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड्स अगर नहीं मिलते तो आप सभी को कोई छोटे मोटे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। और अगर भाई लोग हम सभी को कोई सा भी रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिलता है और ये वाला अपडेट आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है फेसबुक अकाउंट कितने जल्दी हैक हो जाता है। इस वजह से आप सभी का ना क्या होता है, आईडी भी वो हो जाता है, आप सभी के यहाँ से चला जाता है। तो इस वजह से मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मस्त ये वाला अपडेट लग रहा है, ठीक है। आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ देखो भाई लोग, आप लोग टेंशन ले रहे हो कि आकाश भाई अपना फ्री फायर तो प्ले स्टोर पर है नहीं, हम लोग कैसे अपडेट करेंगे पैच अपडेट वाले दिन। तो देखो भाई लोग, मैंने आप सभी को बता रखा है कि आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाके उसको अपडेट कर लेना, जैसे उस दिन अपडेट आएगा तो मैं उसको मतलब डाल दूंगा, वहां पे अपडेट डाल दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम वगैरह मेरा ज्वाइन करके रख रखे हो आपने, मेरे को पता है, ठीक है। नहीं तो मैं उस दिन एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, जिससे बाकी लोग भी सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे। तो बस भाई लोग होप करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। एंड भाई लोग देखो, आप सभी के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ फिर भी, आप सभी को पता है क्या सिचुएशन है, फिर भी ला रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है ना कि मतलब आप लोग ने देखा कि पहले 905 के थे, फिर कैसे कैसे कम हो रहे हैं, अब 900 के पे आ गया, तो क्या ही बोले। तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइस।